ये सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल जिसको अभी ही राष्ट्रपति ने मान्यता दी है और इसका कानून बन गया है, ये कानून पूरी तरह से हमारे संविधान के खिलाफ है। हमारे संविधान का या हमारे देश का ढांचा जो था वो आज़ादी के आंदोलन से तैयार हुआ था। महात्मा गांधी हो, डॉक्टर आम्बेडकर हो, जवाहरलाल नेहरू हो, वल्लभ भाई पटेल हो, ये सारे नेता मानते थे कि भारत एक धर्म पे आधारित राष्ट्र नहीं होना चाहिए। इनके जो मतभेद मोहम्मद अली जिन्ना के साथ थे वो वही थे। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को धर्म के आधारित राष्ट्र बनाना चाहते थे, इसलिए पाकिस्तान आज भी एक इस्लामिक नेशन है। मोहम्मद अली जिन्ना ये मानते थे कि भारत में, आज़ादी के पूर्व वाले भारत में दो राष्ट्र है, एक हिंदू राष्ट्र है और एक मुसलमान राष्ट्र है, इस्लाम के आधारित राष्ट्र है। वो मानते थे हिंदुओं का जो बड़ा तबका यहाँ है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा और जो मुसलमान है वो मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। लेकिन भारत के मुसलमानों ने ये मंजूर नहीं किया, उनको ये मंजूर नहीं था। आज भी 20 करोड़ मुसलमान भारत में है, ये भारत के लिए गर्व की बात है। महात्मा गांधी या डॉक्टर अंबेडकर या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो मानते थे कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, सेक्युलर राष्ट्र बनना चाहिए और हमारे संविधान के 14 और 15वें सेक्शन में ये साफ लिखा गया है कि इस राष्ट्र में सबको समानता का, सबके साथ समानता का बर्ताव होगा और किसी भी के साथ भी धर्म, जाति, वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मेरा विरोध इस नए कानून को या जो भी संशोधन हुआ है नागरिकता कानून में, उसको इसलिए है कि पहली बार हमारी सरकार धर्म के आधार पर कोई भेदभाव कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। क्योंकि ये जो नया कानून लागू होने वाला है वो क्या कह रहा है हमें देखना चाहिए। वो सिर्फ 3 देशों का अपवाद कर रहा है, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश और एक अफगानिस्तान। वो कह रहा है इन 3 देशों से जो भारत के पड़ोसी देश है, इसमें से हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, सिख या बुद्धिस्ट अगर भारत आएंगे सीमा क्रॉस करके तो हम उन्हें नागरिकता देंगे। उनके लिए जो नागरिकता के नियम है वो भी शिथिल कर दिए गए हैं, क्योंकि पहले से एक नियम था कि जो भारत की नागरिकता, नागरिक बनना चाहता है उसको 12 साल, कम से कम 12 साल इस देश में रहना होगा। अभी ये जो समुदाय इन्होंने अलग किए हैं, हिंदुओं से लेकर सिख तक या बुद्धिस्ट हो या फिर जैन हो या क्रिश्चियन हो, इनके लिए इन्होंने सिर्फ 5 साल की शर्त रखी है। तो इसका मतलब ये है कि जो जो इन समुदायों में से, ये सारे समुदाय हमें समझना चाहिए नॉन मुस्लिम हैं, ये गैर मुस्लिम समुदाय है। पहली बार इस देश के इतिहास में इस तरह के धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। मानो कि पाकिस्तान में कोई मुसलमान हो या मुस्लिम समुदाय हो, उसके ऊपर अगर अन्याय अत्याचार होता है तो इस कानून के आधार पर वो भारत नहीं आ सकेगा या भारत का नागरिक नहीं बन सकेगा। लेकिन हिंदू आ सकता है, क्रिश्चियन आ सकता है, पारसी आ सकता है, जैन आ सकता है, बुद्धिस्ट आ सकता है, सिर्फ मुसलमान नहीं आ सकता। और एक आप बात समझिए, भारत सरकार ने सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों को इस कानून के अंतर्गत लिया है। इसका मतलब क्या है? इसमें नेपाल नहीं है, इसमें म्यांमार नहीं है, इसमें श्रीलंका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे बाकी देश जो है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश, मुस्लिम बहुल राष्ट्र है और मोदी की सरकार ये दुनिया को दिखाना चाहिए जाती है कि ये जो मुस्लिम बहुल राष्ट्र है इसमें जो नॉन मुस्लिम्स है या ज़्यादातर हिंदू जो है उनके ऊपर अत्याचार होता है। इसलिए इस नए कानून में सिर्फ 3 ही देश आते हैं और सारे के सारे जो नॉन मुस्लिम है तबके वो आते हैं। इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए हमारा संविधान
किसी को भी परमिशन नहीं देता है। इसलिए मैं मानता हूं और बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है वो भी मानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो कानून है वो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। और जो ओरिजिनल सिटीजनशिप एक्ट था उसमें भी प्रावधान था कि जिसके ऊपर टॉर्चर होता है, जिसको कोई तकलीफ है दूसरे देश में, वो एप्लीकेशन करके यहाँ का नागरिक बन सकता है। लेकिन इस नए कानून के अंतर्गत मुसलमानों को बाहर निकाला गया है और मुसलमानों को टारगेट किया गया है। मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि राज्यसभा में जब इस कानून की चर्चा हुई या लोकसभा में जब इस कानून की चर्चा हुई तो बार बार टू नेशन थियोरी का जिक्र किया गया था। यह टू नेशन थियोरी क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र बने। वो मानते थे कि भारत में दो राष्ट्र है, इसलिए इसको टू नेशन थियोरी कहा जाता है, द्विराष्ट्रवाद कहा जाता है हिंदी में। दो राष्ट्र थे, एक हिंदुओं का राष्ट्र और एक मुसलमानों का राष्ट्र। तो बैरिस्टर जिन्ना मानते थे पाकिस्तान अलग करके हम मुसलमानों का राष्ट्र ले रहे हैं। यही थियोरी जिन्ना से 16 साल पहले सावरकर ने लिखी थी और सावरकर ने इसका प्रचार किया था। लेकिन आज बीजेपी के नेता ये जो कर रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पार्टीशन किया, जो बिल्कुल झूठ है। पार्टीशन के लिए जिम्मेदार कौन थे? पार्टीशन के लिए जिम्मेदार एक तो ब्रिटिश थे और नंबर दो मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना थे। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ऐसे कहते हैं कि ये जो सारी लड़ाई है वो हिंदू बना मुस्लिम ऐसी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस देश का सेक्युलर हिंदू और इस देश का कम्युनल हिंदू इसके बीच में है। इसलिए डॉक्टर लोहिया ऐसे मानते थे कि पार्टीशन के लिए सिर्फ ब्रिटिश और मुस्लिम लीग जिम्मेदार नहीं है, पार्टीशन के लिए यहाँ के जो हिंदू आतंकवादी है वो भी जिम्मेदार है, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो है वो भी जिम्मेदार है। तब हिंदू महासभा थी जिसका नेतृत्व सावरकर करते थे, सावरकर ने भी टू नेशन थियोरी रखी और जिन्ना ने भी उनके बाद टू नेशन थियोरी रखी। लेकिन आज बीजेपी के नेता अमित शाह हो या मोदी हो ये आरोप करते हैं, या राजनाथ सिंह हो ये आरोप करते हैं कि कांग्रेस के कारण पार्टीशन हो गया। ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं, पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। और ऐसा मैं मानता हूँ कि पहले इन्होंने जो आर्टिकल 370 था उसको बर्खास्त कर दिया, कश्मीर से शुरुआत की, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में जो राम मंदिर का मामला था या बाबरी मस्जिद गिराने का मामला था उसके ऊपर फैसला दे दिया। उसके पहले इन्होंने ट्रिपल तलाक का मामला लिया। जिस जिस मुद्दे से ये लोग मुसलमानों को टारगेट कर सकते वही मुद्दे नरेंद्र मोदी ने वापस एक बार जीतने के बाद लिए है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं ये मानता हूँ ये भी जो CAB है, सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल जो कानून बन गया है, वो मुसलमानों के खिलाफ है। और इसके साथ और एक बात जुड़ जाती है, जो बात है NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एक रजिस्टर बनाने की बात है जो आसाम में चल रही है, कौन कानूनी सिटीजन है और कौन गैर कानूनी सिटीजन है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के नज़र के नीचे ये प्रक्रिया आसाम में चल रही है पिछले कई महीनों से। जब 31 अगस्त को ये पहली लिस्ट जाहिर हुई तो 19 लाख जो नागरिक है वहाँ, हमें मालूम नहीं है वो गैर कानूनी है या नहीं है, लेकिन 19 लाख नागरिक अपना नागरिकत्व जो है वो सिद्ध नहीं कर पाए। लेकिन जो बीजेपी को लगता था वैसे नहीं हुआ। ये 19 लाख जो सिटीजन्स है या नागरिक है वो सारे के सारे मुसलमान नहीं थे। बांग्लादेशी मुसलमान जिनको बीजेपी कहती है या शिवसेना कहती है, ये सारे के सारे बांग्लादेशी मुसलमान नहीं थे। इसमें से 6 लाख तो बंगाली हिंदू थे। तो 19 लाख में अगर 6 लाख बंगाली हिंदू है तो आप उनको अगर भारत के नागरिक नहीं ऐसे कह रहे हैं तो इनके ऊपर भी अन्याय हो रहा है। अमित शाह ने असम जाकर ये कहा कि अगर NRC में आप
अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकते तो आप सीएबी के आधार पर नागरिकत्व पा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप एनआरसी में कुछ नागरिकों को बाहर निकालेंगे, फिर सीएबी में उसमें से जो मुसलमान नहीं है उनको वापस नागरिकता देंगे। तो सीएबी और एनआरसी जो है दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं और दोनों का मकसद ये है मुसलमानों को टारगेट करना। मैं ये मानता हूँ राजनेता कुछ भी बोले, कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता जो है वो बड़े वकील है, उन्होंने लोकसभा में कहा कि मुसलमान, इस देश के मुसलमान इससे डरते नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि अभी ये जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल का कानून बनने के बाद इस देश का मुसलमान डरा हुआ है, वो सदमे में है, क्योंकि उसको मालूम है कि सीएबी के बाद एक दिन एनआरसी भी आ जाएगा। अमित शाह ने यह भी कहा है कि पूरे देश में एनआरसी का इम्प्लीमेंटेशन होगा। एक अच्छी बात यह है कि जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, जैसे कि बंगाल हो, पंजाब हो या केरला हो, इन्होंने तो कह दिया है हम एनआरसी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर एनआरसी आएगा तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बाकी सारे लोग हिंदू भी दिक्कत में आ जाएंगे। मैं आपको पूछता हूँ कि आपके पास आपका परिवार कितने सालों से यहाँ रह रहा है, इसका कोई प्रूफ है? आपके पिताजी हो, आपके दादाजी हो, उनके दादाजी हो, उनके पिताजी हो, कहाँ से आए? दो तीन कम्युनिटीज जो है मुंबई में या महाराष्ट्र में, मुंबई में देखिए, मुंबई में एक फिशरमैन कम्युनिटी है, फिर पाठारे प्रभु नाम की एक कम्युनिटी है। ये दो कम्युनिटी छोड़कर हम सारे लोग जो मुंबई में रहते हैं या महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई कर देखिए, हम सारे लोग जो मुंबई कर है, ये दो कम्युनिटी छोड़कर हम कोई भी ओरिजिनल मुंबई कर नहीं है। मेरे दादाजी कारवार से आए थे, कारवार है कर्नाटका में, तो मैं भी यहाँ का ओरिजिनल सिटीजन नहीं हूँ, मेरा परिवार भी ओरिजिनल नहीं है। नागरिकता सिद्ध करने के लिए मुझे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मेरा परिवार कारवार से आता है। क्या मेरे पास कोई इसके कागजात है? मेरे पास तो मेरे घर के कागजात है, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास मेरे बीवी के कागजात है, लेकिन मेरे दादाजी क्या करते थे, ये कागजात ढूंढना मेरे लिए भी मुश्किल होगा। किस गांव में कोई मुसलमान रहता है या कोई हिंदू रहता है, उसके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल बात होगी। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं बहुत सारे मुसलमान हैं वो बहुत ही दबाव में हैं, गांव जा रहे हैं कागजात ढूंढने के लिए, मालूम नहीं क्या होगा, हम यहाँ रख पाएंगे या नहीं। और मानो जैसे कि असम में 19 लाख लोग अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए, उनको सेकंड चांस दिया गया है एप्लीकेशन करने के लिए, कि मानो उसमें से आधे लोग, 19 लाख में से आधे लोग, 8-9 लाख लोग अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाते, तो आप इनको कहाँ भेजेंगे? मेरा ये सवाल है, हर हमें ये सवाल मोदी और अमित शाह से पूछना चाहिए, जिन्होंने ये सारी बात चलाई है कि आप 8-9 लाख लोग अगर अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाते तो क्या उन सारे लोगों को आप कहेंगे कि नहीं नहीं आप गैरकानूनी हैं, आप बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश ने तो कह दिया है कि हम किसी को नहीं लेंगे, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए इन लोगों ने ये किया है कि डिटेंशन सेंटर्स बनाए हैं। मेरा ये आरोप है, अभी भी देखिए डिटेंशन सेंटर जो असम में बनाए हैं, बीबीसी ने एक न्यूज़ दी थी, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री भी की थी, ये जो डिटेंशन सेंटर्स हैं इसमें इतनी ख़राब हालत है कि कुछ जो वहाँ के लोग थे, वहाँ जो डिटेन किए हुए लोग थे, उनको उनकी तो मृत्यु हो गई। आप अगर पूरे देश में, मानो कि पूरे देश में एनआरसी लागू होता है, तो आसाम में आज 8-9 लाख हुए लोग हैं, ये 1 करोड़ होंगे, 2 करोड़ होंगे, 3 करोड़ होंगे या 10 करोड़ भी हो सकते हैं, तो मानो कि पूरे देश में 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी है हमारे देश की, पूरे देश में अगर 10 करोड़ लोग अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए तो मेरा सवाल ये है कि मोदी सरकार क्या करेगी? क्या इन सारे के सारे 10 करोड़ लोगों को आप डिटेंशन सेंटर में रखेंगे? हिटलर ने यही किया था, हिटलर ने ऐसे ही कानून बना के ज्यूस को बाहर निकाला था, उनको बहिष्कृत किया था, फिर उनको टारगेट करके कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा था और फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखकर उनके लिए गैस चैम्बर्स बनाए गए और 60 लाख ज्यूस को मारा था। मेरा यह सवाल है नरेंद्र मोदी से
क्या आप हिटलर बनना चाहते हैं? क्या वापस आप यही करना चाहते हैं? मुसलमानों या हिंदुओं को, दोनों की दिक्कत इनमें होने वाली है। और आप कह रहे हैं मुझे ये पूछने वाले, मैं इस देश का नागरिक हूँ या नहीं? सिटीजन्स एक्ट 1955 के अनुसार जिसका जन्म यहाँ हुआ है वो हर एक इस देश का नागरिक है। मेरे पिताजी यहाँ के थे, मैं नागरिक हूँ। गरीबों के लिए, जिनके पास कोई कागजात नहीं है, जिनकी एक छोटी झोपड़ी होती है कहीं गांव में, उनके लिए ये मुसीबत खड़ा करने वाला ये कानून है। तो मुझे लगता है ये, जैसे मैंने पहले कहा, ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, मानवाधिकार के खिलाफ है। इसलिए माफ़ करना, इसलिए हम सारे लोगों को इसको नकार देना चाहिए, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैं तो ये मान रहा हूँ कि अगर मेरे पास एनआरसी के लिए कोई कागजात सरकार मांगती है तो मेरा सत्याग्रह ये होगा कि मैं ये कागजात नहीं दूंगा। आप मुझे जेल में डालिए, आप मुझे डिटेंशन कैंप में डालिए, लेकिन जो कानून हमारे संविधान के खिलाफ है उस कानून के अमल में मैं सरकार की सहयोगिता नहीं करूंगा, मैं सत्याग्रह करूंगा। जैसे कि हर्ष मंदर ने कहा है, हर्ष मंदर एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है और पहले सरकारी अधिकारी भी रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं खुद को मुसलमान मानूंगा और एनआरसी का विरोध करूंगा, मैं कोई डॉक्यूमेंट्स एनआरसी के लिए नहीं दूंगा। मैं खुद को मुसलमान नहीं मान सकता क्योंकि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ, मेरा धर्म एक ही है, मानवता। इसलिए मैं खुद को नास्तिक कहता हूँ, अब नास्तिक का कोई धर्म नहीं होता, सबसे बड़ी माइनॉरिटी यही है पूरी दुनिया में नास्तिक लोगों की। लेकिन मैं अगर एनआरसी वाले कहे कि आपके डॉक्यूमेंट दे दो, तो मैं ये सोच रहा हूँ मैं डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप इस सत्याग्रह में शामिल होंगे? क्या आप सरकार का विरोध करेंगे? अगर कुछ गरीब लोग डिटेंशन कैंप में जा रहे हैं तो इनके साथ आप भी तैयार है डिटेंशन कैंप में जाने के लिए? अगर आप तैयार है तो ही संविधान बचेगा, अगर आप तैयार है तो ही सेक्युलर इंडिया बचेगा। नहीं तो मोदी शाह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर आप नहीं चाहते कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, भारत सेक्युलर राष्ट्र रहे, अगर ऐसे आपकी मंशा है तो आप विरोध कीजिए। घर में बैठकर कुछ नहीं होगा। आप सोचते होंगे ये तो असम की बात है, ये तो नॉर्थ ईस्ट की बात है, ये हमारे यहाँ तो नहीं होने वाला। आपके यहाँ भी होने वाला है, आज असम में हो रहा है, आज नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, आपके शहर में भी एनआरसी आने वाला है। अमित शाह ने तो पार्लियामेंट में कह दिया कि एनआरसी पूरे भारत में हम लोग करेंगे, तो आपके शहर में भी एनआरसी आने वाला है। आपको भी इस देश को देश से निकालने की साजिश होने वाली है, तो आप तैयार रहिए इस साजिश के खिलाफ लड़ने के लिए। मैं लड़ने वाला हूँ, मुझे मालूम नहीं आप क्या करने वाले हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये पूरी तरह से अन्याय है। अगर आप महात्मा गांधी या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं तो लड़ने के लिए तैयार रहिए, पूरा देश लड़ने वाला है। क्योंकि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें एक सेक्युलर इंडिया चाहिए, हमें भारत का दूसरा हिंदू पाकिस्तान नहीं बनाना है।